अब हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन, डेविडसन मॉडल, जो कि यूकैरियोटिक सेल के जीन रेगुलेशन को बताता है। इस मॉडल को जीन बैटरी मॉडल भी कहा जाता है। यह मॉडल जो है वो 1969 में इसके ऊपर काम हुआ था और ये इलैबोरेट किया था 1973 में, इसको बाहर बताया था साइंटिस्ट ने। तो इस मॉडल को देने वाले जो दो साइंटिस्ट थे उनका नाम है ब्रिटेन एंड डेविडसन, वही नाम इस मॉडल को भी दिया जा चुका है। ये बात है लगभग 1970 के आसपास की। इस जमाने में प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया के ऊपर बहुत सारा काम हो चुका था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, इसलिए बैक्टीरिया के जीन किस तरह से रेगुलेट करते हैं यह बात हमारे कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी थी। तो यहां पर इन्होंने जो डीएनए सीक्वेंसेस है, डीएनए सीक्वेंसेस यूकैरियोटिक सेल की, उनको चार ग्रुप में डिवाइड किया और बताया कि यह कैसे रेगुलेट करते हैं। तो यहां पर पहला टाइप जो बताया था इन्होंने, तो उसको कहा था प्रोड्यूसर जीन। प्रोड्यूसर जीन होता है जो कि बैक्टीरिया के ओपेरॉन के स्ट्रक्चरल जीन की तरह बिहेव करता है। इसके बाद सेकेंड जो साइट होती है, सेकेंड साइट को यह कहते हैं रिसेप्टर साइट, और रिसेप्टर साइट जो है वो कोई ऑपरेटर जैसा काम करती है प्रोकैरियोटिक ओपेरॉन के। इसके बाद थर्ड साइट या थर्ड जीन जो होता है, थर्ड साइट इसमें कहा जाता है कि इंटीग्रेटर जीन जो होता है, इंटीग्रेटर जीन जो है वो प्रोकैरियोटिक ओपेरॉन को रेगुलेट करने वाले रेगुलेटरी जीन जैसा काम करता है। इसलिए हम इसको फंक्शन में लिखते हैं, इसका मेन फंक्शन है रेगुलेशन करना। फोर्थ वन दैट इज द सेंसर साइट। सेंसर साइट जो होती है वह एक्चुअल एक्सटर्नल स्टिमुलस को सेंस करती है और आगे के जीन को एक्सप्रेस होने के लिए कोई रास्ता दिखाती है, मतलब यह पहले सेंसिटाइज करेगी और आगे सीक्वेंस में फोर से लेकर थ्री में इस मैनर में ये कैसे काम करता है हम आगे फिगर में देखते हैं। यहां पर पहला जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है इसमें दो सेगमेंट हम बता रहे हैं, जिसमें कि पहला होता है सेंसर साइट जो जुड़ा होता है किसी इंटीग्रेटर जीन के साथ। इंटीग्रेटर जीन जो है वो सेंसर साइट के साथ यहां पर जुड़ा हुआ दिखा रहे हैं। यहां पर दूसरी फिगर में हम बता रहे हैं कि दो अलग अलग जिसमें रिसेप्टर साइट जुड़ी हुई होती है किसी प्रोड्यूसर जीन के साथ। तो प्रोड्यूसर जीन जो है वो रिसेप्टर साइट के साथ है और यहां पर इंटीग्रेटेड जीन जो है वो सेंसर साइट के साथ है। यहां पर जैसे दिखाया है कि इन चारों में से दो जीन है और दो साइट है। जो जीन है वो एक्सप्रेस हो गए, मतलब इससे यह कोई डीएनए था, यह भी कोई डीएनए था, तो इससे यहां से यहां तक की सीक्वेंस का ही कोई आरएनए बनता है और इस आरएनए को कहा जाता है एक्टिवेटर आरएनए। जो आरएनए इंटीग्रेटर जीन से बनता है उस आरएनए को आरएनए एक्टिवेटर कहा जाता है, और जो प्रोड्यूसर वाला जीन है उससे जो आरएनए बनेगा उससे फाइनल कोई प्रोटीन बनेगा और जिसका कोई नतीजा या रिजल्ट आता है। हम एक्चुअली इस मॉडल के तहत देखते हैं कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है या इस जीन का जो एक्सप्रेशन होता है वो किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है। तो सेंसर साइट जो है वो सेंसर साइट एंड रिसेप्टर साइट ये दोनों कोई आरएनए नहीं बनाती है, यह सिर्फ रिकॉग्निशन का काम करती है। मान लेते हैं कि इनमें से सेंसर साइट जो है वो पहले किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिकॉग्नाइज करती है। एक्सटर्नल स्टिमुलस कोई एक्सटर्नल या बाहर से सेल के बाहर से आया हुआ कोई सिग्नल होता है, और यह सिग्नल जो है इट मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हॉर्मोन्स और इट मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स और इट मे बी हॉर्मोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स।
इसको सेंसिटाइज करने के बाद यह सेंसर साइट जो है वो इंटीग्रेटर जीन का एक्सप्रेशन करने के लिए इसको स्टिमुलेट करती है। इसका एक्सप्रेशन होगा तब आरएनए एक्टिवेटर बन जाएगा, जो आरएनए एक्टिवेटर आगे जाकर रिसेप्टर साइट के ऊपर कोई ऐसा स्टिमुलेशन देगा जिससे प्रोड्यूसर जीन का एक्सप्रेशन पॉसिबल हो जाता है। तो यहां पर यह मॉडल इस जीन का एक्सप्रेशन कैसे रेगुलेट होता है यह बताता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल यहां पर ये जो एक्टिवेटर है वो एंड दिस इज रिसेप्टर साइट कैन मल्टीप्लाइड बाय मेनी टाइम्स, इसकी एक से ज्यादा कॉपी कई जगह पर हो सकती है। तो हम यहां पर कहते हैं कि इंटीग्रेटर जीन एंड रिसेप्टर साइट रिपीटेड मेनी टाइम्स। ऐसा क्यों? ऐसा होने की वजह से जब आपके पास कोई एक एक्टिवेटर होगा, सिंगल एक्टिवेटर मल्टीपल डिफरेंट जीन का एक्सप्रेशन कर सकता है, वो मल्टीपल जीन जो रहेंगे वो किसी एक मेटाबॉलिक पाथ के साइमल्टेनियस बनने वाले प्रोटीन भी हो सकते हैं, या फिर वह कोई किसी सेल के अलग अलग डेवलपमेंट स्टेज में अलग अलग स्टेज पर एक्सप्रेस होने वाले अलग अलग जीन्स भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि सिंगल एक्टिवेटर का कोई एक सिंगल एक्टिवेटर आरएनए जो है वो मल्टीपल डिफरेंट जीन का एक्सप्रेशन यहां पर इस वजह से करना पॉसिबल है। और दूसरी बात यहां पर ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंट मेनी एक्टिवेटर्स कैन also express the one or single gene, ठीक है। तो यह क्यों पॉसिबल हुआ? ये दो पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही कारण है इसका, क्योंकि यहां पर इंटीग्रेटर जीन एंड रिसेप्टर साइट जो है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट होती है, जिसकी वजह से ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। इस जगह पर आपको याद रखना है कि एक एक्टिवेटर जो है वो मल्टीपल डिफरेंट जीन को एक साथ भी दे सकता है, या फिर सेल के डेवलपमेंटल स्टेजेस में अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस पर भी वो दे सकता है। इसका मतलब यही हुआ कि एक हार्मोन या एक एक्सटर्नल स्टिमुलस किसी एक से ज्यादा जीन को एक्सप्रेस कर सकती है, या फिर एक स्टिमुलस जो है वह एक ही सेल के ऊपर अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस पर अलग अलग इफेक्ट दे सकती है, ठीक है। तो यहां पर ये था ब्रिटन एंड डेविडसन मॉडल।